नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। तो आज के हमारे फिर से आ गए हम नई स्टिचिंग वीडियो लेके, जिसमें हम अपने सूटों के डिजाइन दिखाएंगे। तो फटाफट से दिखा देते हैं सूटों के डिजाइन। तो इसमें हम सूटों के डिजाइन भी दिखाएंगे जो स्टिच हो गए। एक दो सूट ऐसा दिखाएंगे जिसमें हमने डिजाइनिंग करनी है, वो उसमें ये भी बताऊंगी कि मैं क्या डिजाइनिंग करनी है, और जब स्टिच हो जाएंगे तो उसके अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो पहला सूट ये वाला हमारा है, तो ये शिमर का सूट है। तो फर्स्ट सूट ये वाला है हमारा, जिसपे अफगानी स्टिच की है सलवार। तो इसका पहले मैं शर्ट दिखा देती हूँ। तो ये वाली शर्ट है, इसकी शिमर की शर्ट है। सूट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा कलरफुल पार्टी वेयर वेडिंग सूट है। तो ये वाला देखो, बिल्कुल पंजाबी सूट है, घोटा पत्ती के वर्क के साथ। इसमें हमने पहले तो क्या किया है कि ये जो साइड है, इसमें हमने ये वाली लटकन्स लगाई है खुद से टैसल्स बना के। तो ये वाली लटकन्स लगाई हैं, दोनों साइड लगाई हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये ना चौक एरिया है, जो हमारी हिप एरिया आएगा ना, वहाँ पर ये ऐसे दिखेंगी, ऐसे वाली। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी ये वाली। तो ये है, मैंने खुद ही बनाई है घर पर कपड़े में से ही। और इसका गले पे तो कढ़ाई थी, गले पे तो कोई डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है। बाजू पे हमने ये वाली डबल लेस लगाई है, एक तो ये लटकन वाली लेस लगाई है नीचे नीचे से करके, ताकि फिनिशिंग नीचे भी दिखे और ऊपर ये वाली मैचिंग की। क्योंकि ये वाली ऊपर करके लेस इसलिए लगाई क्योंकि इसका कलर डार्क येल्लो था, ये वाला शेड इसमें ये वाला शेड मैच हो रहा है। तो इससे हमने ऊपर प्लेन आ रहा था, तो ऊपर हमने डबल करके ये वाली लेस लगा दी और अंदर को करके ये लटकन वाली लेस लगा दी और हल्की सी बेल स्लीव कर दी। तो ये बेल स्लीव के साथ ये वाली, ये देखो बहुत सुंदर सी वैसे छलमल सी लेस लगे, क्योंकि लटकन वाली लेस ना थोड़ी खुली बाजू पे अच्छी लगती है। तो ये दोनों बाजू पे हमने सेम लेस ऐसे ही लगा दी, इससे थोड़ी पार्टी वेयर लुक बनगी। बाकी ये टैसल्स है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके ऊपर अफगानी सलवार बनाई है, सलवार की आजकल स्ट्रेट सलवार अफगानी सलवार बहुत चल रही है। इस पर भी हमने घूम करके लगा दी है, जो ये वाली लेस, जैसे इसमें जो जो कलर है वो सारे कलर मैचिंग की एक लेस ले ली, और जैसे इसमें फ्रोजी पिंक ऑरेंज जो भी कलर येलो कलर है वो सारे कलर इस लेस में है। प्लस जो इसमें गोल्डन कलर है बाजू पर लगाया है वो गोल्डन कलर भी है। तो ये लेस डबल करके नीचे मोरी पर लगा दी, ताकि इसका कंट्रास्ट भी आ जाए और प्लेन सलवार भी ना बने। और नीचे हमने ये लटकन वाली ये वाली बना दी सलवार, तो बिल्कुल मैच हो रही है। तो पहले वाला ये वाला डिजाइन रहेगा हमारा, और सेकंड वाला ये सूट है, ये ऑर्गेंजा का है, लेकिन ऑर्गेंजा सिमर पे सूट है। तो इस पे कोई ऐसा, गले पे भी कढ़ाई थी, घेरे पे भी वर्क था और बाजू पे भी वर्क था। तो इसका गले पे वर्क नहीं था, तो गले पे हमने ये वाली, आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होंगी तो उसमें भी बहुत, तो मैं ये वाली बड़ी शोबर सी अच्छी सी हाथ से अटैच होती है ये वाली, क्योंकि मशीन से लगाने में फिनिशिंग नहीं आती इससे। तो हाथ से ये वाली बड़ी अच्छी वी नेक बना के उसके साथ ये वाली लेस लगा दी है, पर्ल वाली लेस। और बाजू पे वर्क था, नीचे कढ़ाई थी ऑलरेडी, तो ट्रांसपेरेंट रख के इसमें लाइनिंग नहीं अटैच है। इसकी भी बेल स्लीव रखी है ये वाली, और इसके साथ सलवार स्ट्रेट सलवार बनी है स्ट्रेट सलवार। तो इस पर भी वर्क था, तो इस पर भी कोई एक्स्ट्रा डिजाइनिंग की जरूरत नहीं थी। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था सूट ऐसे ही। तो ये वाला बेल स्लीव के साथ ट्रांसपेरेंट वी नेक के साथ, इसमें पर्ल्स हैं तो इसलिए नेक पे पर्ल वाली लेस लगा दी, बहुत सुंदर लग रही है। तो इसके बाद ये वाला सूट है हमारा, ये वाला मजेंटा कलर का, ये रेडीमेड था, बट लास्ट ईयर मैंने सेम वाइन कलर और एक ग्रीन कलर सेम ड्रेस मैंने स्टिच की हुई है ये वाली। अंदर इसकी प्लेन जॉर्जेट की कुर्ती और नीचे शरारा, और ऊपर ये वाली ऐसे कट वाली कुर्ती के साथ मैंने ये लास्ट ईयर बनाई थी, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती थी। तो ये वाला पैडेड ड्रेस है, ये ऑल्टरेशन के लिए आया था, ऑल्टर किया है, बट ये स्टिच भी हो जाता है। ये वाला इसके साथ शरारा गरारा जो भी है, प्लेटेड जो आजकल बॉक्स प्लेटेड बनते हैं वो वाला बैक लास्टिक और फ्रंट बेल्ट के साथ, ये वाला इसका शरारा गरारा, बहुत प्यारा पार्टी वेयर सूट है ये भी। और इसके बाद का डिजाइन ये वाला है हमारा, ये वाला ना नॉर्मल जो कॉटन के सूट्स आते हैं ना, ये वो कॉटन का सूट था। जैसे ये वाले गले पे वर्क है, ये तो गले पे वर्क ऐसा ही था, और इसके नीचे जो पैंट बनाई है ये वाला घेरे का वर्क था, जो ये वाला ये देख रहे हो थोड़ा सा ना प्लेन आया हुआ है क्योंकि थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था वर्क वाला। ये घेरे का वर्क था ये वाला नीचे, तो घेरे घेरे पे इसका गोल घेर की कुर्ती बनी है, तो घेरे पे तो ये कंप्लीट नहीं आना था। तो घेरा नीचे कलियों वाला जो शर्ट का कपड़ा था उसमें से ये गले पे कढ़ाई थी, तो ऐसे ही निकाल लिया। और इसके नीचे का जो फैब्रिक था, जो बॉटम का फैब्रिक था, उसकी हमने कलियां देके, क्योंकि कमीज में से ये चोली का कपड़ा निकाल के, जो ऊपर का योक है ये निकाल के, इतना फैब्रिक नहीं बच रहा था कि नीचे कलियां भी निकल आती, तो बॉटम का फैब्रिक प्लेन था, तो उसमें से कलियां निकाल के ये वाला अच्छा खुला है। देखो
देखो घेरा कितना अच्छा है। तो इसमें ना ये मल्टी कलर के लेस हमने अटैच कर दिए नीचे घेरे पे, ये बहुत सुंदर लग रही है। दो तीन शेड है इसमें, बहुत सुंदर लग रही है। तो ये वाला गोल्ड घेर की और विदाउट स्लीव के साथ कुर्ती बनाई हुई है ताकि थोड़ी फैंसी लुक आए। और जो शर्ट के बाद का कपड़ा, जो शर्ट के बाद का कपड़ा बच गया था उसमें हमने ये जो ट्राउजर लुक के साथ पैंट बना दिया। और जो इसका घेरे का कढ़ाई थी वो ताकि वेस्ट ना जाए तो ये वाली इस पे हमने पैंट पे अटैच कर दी। थोड़ी लूज लूज वाली सी पैंट है, प्रॉपर जो पैंट लुक आती है वो नहीं है, तो ये वाली हमने इस पे पैंट बना दी। तो ये वाली भी आप डिजाइन बना सकते हो। किसी को किसी का दिल करता है कि सिंपल सूट नहीं डालना, जैसे ये सिंपल सूट बनना था, इसके नीचे ये घेरे पे ये और गले पे ये वाला वर्क लगा के और सिंपल सूट बनना था, लेकिन हमने इसमें थोड़ी डिजाइनिंग करके और थोड़ा सा डिजाइनर लुक देने के लिए इसमें कलियों वाला फ्रॉक बना दिया। तो अगला ये आज के स्टिच किए हुए यही सूट थे, दो सूट और स्टिच हुए थे वो चले गए हैं, उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अगला जो हमने सूट स्टिच करना वो अनस्टिच में दिखा देती हूँ। ये वाला है आजकल बहुत ज्यादा वेलवेट के चले हुए हैं सूट, लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे वाले सूट बहुत ज्यादा स्टिच किए थे। ये वाले पाकिस्तानी स्टाइल में सूट स्टिच करना है, इसकी मेरे पास एक फोटो है, अगर मुझे मिल गई तो वो भी मैं लगा दूंगी। तो इस पे आप आइडिया भी ले सकते हो जो आजकल सूट चले हुए हैं। ये इसको बोलते हैं कौन सा, इटालियन वेलवेट इसको बोलते हैं। तो इस पे बाजू पे भी वर्क है और बहुत शाइन देने वाला डबल टोन में इसका फैब्रिक है। और दुपट्टा भी ऐसा ही है हैवी वेलवेट में, और उसके चारों साइड जो बाजू पे बॉर्डर है ऐसा ही बॉर्डर दिया हुआ है, और ये प्योर पश्मीना में इसकी बॉटम है। ये वाला स्टिच करना है हमने, इसकी भी जब स्टिच हो जाएगा मैं वीडियो जरूर डालूंगी। और इसके बाद जो अभी स्टिच करना है, कटिंग करना है, तो वो ये वाला है। ये वाला एक लड़की का सूट है, ये तीन सूट ड्रेस बनाने हैं। ये ब्रोकेट का सूट है, इसमें भी हमने एक शेर सलवार निकालनी है, कुर्ती निकालनी है, और इसके ऊपर एक ये वेलवेट की है, ये जो मैंने अभी दिखाई थी येलो, ये वाली इसकी गोल्ड घेर की कुर्ती निकालनी है, लेस लगानी है इस पे, ये वाली लेसेस अटैच करनी है। ये लेसेस लगा के, ये जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है हैंगिंग वाली लेस, मैंने पिछली कई वीडियो में दिखाया, उनमें ये अटैच की हुई है। और एक ये पर्ल वाली लेस गले पे लगानी है, बाजू पे लेयर करके लगानी है। तो डिजाइनिंग में दिखाऊंगी, बाजू पे फुल बाजू करके दो तीन लेयर करके और नेक पे भी लगानी है। तो इसके साथ ये बनेगा। और एक ये प्लेन रेड में ही है ये, क्योंकि ये ब्राइडल जो लहंगा है उसके साथ मैचिंग करके लड़की ने ये कपड़े बनवाए हैं, शादी वाले दिन उन्होंने डालने हैं। इस पे भी डिजाइन करके इसका बनाना है, सर्कल प्लाजो के साथ बनाना है। तो ये वाले बनाने आज, इसकी जब स्टिच हो जाएगा तो वीडियो बना दूंगी। और एक ये वाला सूट आज ही आया स्टिच करना, बहुत प्यारा सा इसका शेड है, तो पर्पल कलर का सूट है। ये वाला पश्मीना उसमें गरम सूट है ये सर्दियों का, तो ये वाला भी स्टिच करना है। ये भी जब स्टिच हो जाएगा मैं दिखाऊंगी। सेम सूट मेरे पास रखे हैं, किसी को चाहिए हो ऑर्डर करने हैं, या फिर मैं चंडीगढ़ में सेक्टर 44 में रहती हूँ, किसी को चाहिए तो मेरे पास सूट है। इसमें ये कलर मेरा सेल हो गया है, इसमें बाकी रहते हैं कलर, मैं आपको बाकी कलर दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे इसमें चार कलर बचे हुए हैं, इसमें सात कलर आए थे तो तीन कलर निकल गए हैं। इसमें एक ये कलर रहता है, ये जैसे फुल इसमें फुल देख रहे हो, वीविंग है फुल में, तो ऐसे ही ये वाला लुक रहेगा इसमें, पूरा स्टोल और बनारसी लुक आएगी। जैसे ये है सेम ऐसे ही बनारसी लुक आएगी फुल में। ये बॉटम है इसकी, और ऐसे ही इसमें सब मतलब पूरा भरा हुआ ये सूट होगा। इसमें ये वाला ग्रीन शेड है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक ये लेवेंडर शेड बचा हुआ है, एक ये मैरून शेड बचा हुआ है, और एक ये कॉफी कलर का शेड बचा हुआ है। इसमें से पांच छह सूट इसमें निकल गए। 8-10 शेड का चार्ट आया था, कलर चार्ट, कई कलर चार्ट थे, इसमें चार ही बचे हैं। तो एक इसमें सेम कलर था ये भी निकल गया, एक मस्टर्ड कलर था वो परसों निकल गया। तो किसी को बाय करना है तो आ सकता है। अगला सूट जो स्टिच करना है वो ये वाला सूट स्टिच करना है ऑर्गेंजा में, तो पैंट कट पैंट के साथ इसमें भी डिजाइन डालना है। तो अगली वीडियो में मैं ये भी जरूर दिखाऊंगी। और एक इसके बाद ये वाला सूट स्टिच करना है, इसमें भी ये भी फैंसी पार्टी वेयर सूट स्टिच करना है, ये भी मैं दिखाऊंगी। और एक आपको ना ब्लाउज दिखाती हूँ, ये मेरा ही वो है, सिस्टर की साड़ी है, इसके साथ जो ब्लाउज है आपको डिजाइनिंग के लिए आइडिया ले सकते हो यहाँ से। ये रख देती हूँ साइड में कर ले।
तो एक ये जो ब्लाउज है इसकी ना, ये साड़ी है ब्लैक कलर की, मैंने एक वीडियो में पहनी भी हुई है, बट ये ब्लाउज मैंने, ये मेरी साड़ी मेरे नहीं है, इसके साथ मैंने सिस्टर का ब्लाउज है, तो ये मेरे साइज का नहीं है, तो मैंने अपना ब्लाउज डाला था, मेरे पास ब्लैक कलर का ऑलरेडी ब्लाउज है, तो इनका ये ब्लाउज मैं दिखा देती हूँ, आइडिया आप ले सकते हो, बहुत सुंदर ब्लाउज स्टिच हुआ है पूरे ब्लाउज में, ये बड़ी ही फिनिशिंग के साथ ब्लैक कलर की पाइपिंग डली हुई है, ये देखो बहुत बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ, जो सैटन का कपड़ा आता है शाइन देता है, उसकी प्रिंसेस कट के साथ बना हुआ पैड वाला ब्लाउज है, इसमें पैड यूज किए हुए हैं, और बैक इसकी बहुत सुंदर है, डीप नेक है बैक में, ये देख सकते हो डीप नेक है, और बैक नेक में भी इसमें पाइपिंग डली हुई है, और जो इसका फैब्रिक था इसका ब्लाउज का, जो इसमें साड़ी में है ये वाला बॉर्डर यूज करके इसमें एक बो बनाया हुआ है, बहुत बड़ा सा बहुत सुंदर सा बो, और नीचे ये वाली ऐसी बेल पट्टियां सीधी हुई हैं, बहुत सुंदर, और इसके बैक में ही हुक दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं होते हैं मेरे पास भी स्टिच करवाने आते हैं कि बैक में बो लगाना, बट बैक हुक आएंगे तो बो नहीं लगेगी, लग सकती है, मैंने कईयों में लगाया हुआ है, तो ये ऐसे जैसे एक साइड से ओपन, एक साइड से आप परमानेंट स्टिच जैसे धागे के साथ स्टिच कर सकते हैं, और बाकी जब हुक करने के बाद यहाँ पे टीच बटन दिया हुआ है, टीच बटन से आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो, तो ये ऐसे गिरेगी नहीं आपकी जो बो है, तो ये अभी हुक नहीं बंद हुए, तो बंद करने के बाद ये इजिली बंद हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा लगता है, आप ऐसे भी ब्लाउज का डिजाइन ले सकते हो, बहुत सुंदर, जो ऐसे आजकल वेडिंग सीजन है, जो साड़ियां पहनते हैं उनके लिए परफेक्ट है ये, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगली वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे डिजाइन आपको दिखाएंगे, तो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में जो भी हमारे डिजाइन बनेंगे, अभी और भी काफी सूट पड़े हैं जो स्टिच करने हैं अभी, तो उनकी भी वीडियो बनेगी, तब आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, और वीडियो के डिजाइन और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, व्यूज अच्छे आते हैं, लाइक्स नहीं आते, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अगली वीडियो के भी देख सको डिजाइन वगैरह, जैसे आगे आगे विंटर के सूट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उनके भी डिजाइन मैं आपके साथ सारे शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, चलो बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो।